भाजपा कार्यालय में आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की दूसरी पारी के एक साल का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। मोदी सरकार के एक साल को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उपलब्धियों से भरा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा दिया था उसे चरित्रार्थ किया है। इस दौरान विक्रम उसेंडी ने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी दूसरी पारी में धारा 370, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक जैसे उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में कोरोना संकट के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सूझबूझ भरा निर्णय लिया और वक्त पर लॉकडाउन का ऐलान किया, उसने दुनिया में देश की साख को और मजबूत किया है। वहीं राष्ट्र उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि एक साल में मोदी सरकार ने विकास के नए अध्याय लिखे हैं। सरकार के मोदी जी के कार्यकाल के एक साल निश्चित रूप से 365 दिन बीते हैं और 365 दिन में न केवल दशकों पुरानी, मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ, दशकों पुरानी नहीं, सदियों से जनमानस के मन को झंझोड़ने वाले ऐसे बड़े निर्णय हुए जो अपने आप में इतिहास में एक माइलस्टोन बन के आने वाले 50-100 साल याद किए जाएंगे। और ये निर्णय अनुच्छेद 370 की समाप्ति का निर्णय, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने का निर्णय, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, न जाने कितने सदियों इंतजार करना पड़ा मगर ये अवसर मिला 2019 में जनादेश के बाद। 3 तलाक इज्जत और स्वाभिमान से जीने के लिए, महिलाओं के लिए एक कानून बनाने का काम हुआ, लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला। ये 5-6 माइलस्टोन इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा मोटा काम नहीं था, एक इतिहास रचने वाला काम था। एक ऐसे अद्भुत निर्णय और जिसमें नारा जो दिया था मोदी जी ने, आज भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। साथ लेकर विश्वास लेकर सबके विकास, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक नारे को उन्हें उपलब्धि की। विगत 365 दिन में जो काम हुए, मैं आज 6 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 365 दिन की बात कर रहा हूँ। एक वर्ष में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश के किसान, प्रत्येक किसान आ चुके हैं। इस योजना के तहत 9,50,00,000 से किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई। ये पहली बार हुआ है जो किसानों को गरीबी से मुक्त दिलाने का रास्ता तय हुआ। 72,000 करोड़, देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, जल जीवन मिशन, आज ही छत्तीसगढ़ को 1,000 करोड़ रुपये की राशि इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने दिया है ताकि अंतिम घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है 3,000 रुपये नियमित मासिक पेंशन की सुविधा, ये एक बड़ा निर्णय हुआ। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 450 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अभियान शुरू हुआ। केंद्र सरकार की नीति और निर्णय की वजह से शहर और गांव की खाई कम हुई। पहली बार हुआ है देश में जब इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या, गांव में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट करने वालों से 10% बढ़ गई। ये कनेक्टिविटी का जो चमत्कार हुआ है इस देश में और छत्तीसगढ़ में, भारत ने चंद्रयान मिशन 2 सफल प्रक्षेपण कर रूस, अमेरिका, चीन के बाद चांद में उतरने वाला 4th देश बन गया।